नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार ये क्या है हेलो हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन सर कुड यू प्लीज लेट गो ऑफ माय हैंड सर कुड यू प्लीज सर स्टॉप सर इट लुक्स लाइक अ डच काउ आप कैसे हो व्हिच कंट्री नेदरलैंड्स या हाउ आर यू सर वेरी गुड फाइन Very good. Where can I find you? Namaste. Jai Shri Ram. Make me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. आप लोगों को एक छोटा सा जोक सुनाऊं। ये देश सेक्युलर है। हंसिए, जोर से हंसिए। क्या हो गया? हंसी नहीं आई? तो सेक्युलरिज्म के किस प्रकार से ढकोसला आपके आंखों के सामने परोसा जाता है आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा। जिस भारत देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं यह भारत एक नहीं बल्कि दो भारत दिखाता है। दो भारत केवल 30 सेकंड के वीडियो क्लिप के अंदर। तो आज का वीडियो एंड तक बने रहिए और आप लोग को समझ में आएगा किस प्रकार से दो तरफा जीवन आज हम इस भारत देश के अंदर जी रहे। तो सबसे पहले यह लोकेशन के बारे में बता दूं कि मैं अभी आया हुआ हूं अपने गांव यानी कि बिहार के अंदर। 45 डिग्री का तापमान है, खुले वातावरण में आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपका काम है। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 3 लाख आंकड़ा पार होने वाला है। चैनल डीमोनेटाइज है, आप लोग भी जानते हैं, तो जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। वसुधै कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है। अतिथि देवो भव, इस घर में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है। लेकिन घर में आए हुए अतिथि का अगर आप लोग अपमान करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं अपितु उसके पूरे परिवार के बारे में सोचता है, अपने संस्कार के बारे में सोच लेता है और वह व्यक्ति जीवन में कभी भी मुड़कर उस परिवार के ऊपर नहीं देखता। अब अपने घर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अपना घर भारत को समझ लेते हैं। अगर कोई परदेशी भारत में आया और उसके साथ कोई एक व्यक्ति भी बदसलूकी करे तो वो केवल भारत की नहीं, उस व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण भारत की छवि बन जाती है। और ठीक इसी प्रकार से कुछ महीनों पहले हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। कुछ लोगों के पार्श्व भाग में आग लग गई थी लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य है। अगर आप लोग देखने जाओ तो अगर आप लोग के सामने ऐसे दंगाई आ गए तो इनसे दूर ही रहना। और उचित समय रहते ही ब्लॉगर के साथ भी यही कुछ ऐसा हो गया। ब्लॉगर बेंगलुरु के रास्ते के ऊपर अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, अपना भारत एक्सप्लोर कर रहा था। परदेशी नेदरलैंड से आया हुआ व्यक्ति भारत देश के अंदर आकर टूरिज्म को बढ़ावा देता है लेकिन उसके साथ किया गया व्यवहार आप स्वयं देख लीजिए। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार ये क्या है हेलो हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन सर कुड यू प्लीज लेट गो ऑफ माय हैंड सर कुड यू प्लीज सर स्टॉप सर जीसस क्राइस्ट लेट गो ऑफ माय हैंड मैन वो हे 70 पहले व्हाट द फक मैन जीसस क्राइस्ट दैट गाय जस्ट लेजिट अटैक मी मैन फकिंग हेल मेट गाय वाज होल्डिंग ऑन टू माय थंब मैन आई एम पुलिंग इट Jesus Christ. Holy shit. Guy was, I shit you not, trying to break my finger, bro. My thumb. Jesus Christ. 75! Well, there you go. The thing that can happen. In India, that you don't know about yet, can happen. But I never expect the worst, but that was not a great moment, to be honest. Jesus. अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से भारत देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुंबई के रास्तों के ऊपर एक ब्लॉगर लड़की जो लाइव थी उसके साथ भी ठीक किसी प्रकार से व्यवहार किया गया था। एक और मामला सामने आया था गोवा के अंदर, जहां पर न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। एक ब्लॉगर ने वहां पर ब्लॉग शूट किया गया और वहां पर आप लोग के कानों के ऊपर वो बात पता चली जो अगर मैं कह देता हूं तो लोग कहते हैं नफरत फैला रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को भी थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, गोवा में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देख रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर एक व्लॉगर पहुंचता है और उनसे प्रश्न करता है कि आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? वो व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है। क्या हो गया? विश्वास नहीं होता, आप स्वयं देख लीजिए। Can hear? Who is playing? You're cheering for New Zealand? Really? Why? This is Muslim area. वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आप लोग एक छोटा सा जोक सुनाया था कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। कुछ लोग को हंसी आई होगी और कुछ लोग मन में अभी भी यह प्रश्न लेकर घूम रहे होंगे कि इसमें ऐसा हंसने वाली क्या बात थी। इसमें ऐसी हंसने वाली बात थी कि भारत को सेक्युलर कहना भारत का सबसे बड़ा अपमान हो जाता है। अगर 10 हिंदू एकत्रित होकर किसी कोने में रहते हैं तो कोई नहीं कहता कि यह हिंदू इलाका है या हिंदू बहुसंख्यक इलाका है। लेकिन अगर गलती से कहीं 10 हरे झंडे एकत्रित रहने लग जाए तो हम लोग कह देते हैं कि वहां मत जाना, वहां रामनवमी की यात्रा मत
निकाला, क्यों? क्योंकि वह मुस्लिम इलाका है। और ठीक इसी प्रकार से जब मुस्लिम एकत्रित रहने लग जाते हैं तो वह पाकिस्तान को समर्थन कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर रहने वाले बहुसंख्यक लोग उनके समाज से आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग बेंगलुरु के रास्ते पर चल रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए तो थोड़ा सा संभल कर, और आर भारत एक है यह आप लोग को दिखा दिया, अब दूसरा भारत जो है उसकी जो छवि है जो जय श्री राम के नाम से छिड़ते हैं या बहुत लोग को छिड़ मचती है कि जय श्री राम क्यों कहा जाता है, जय श्री राम कहने से क्या हो जाता है, तो जरा सुनिए और धीरज रखिए जय श्री राम कहने वाले किस प्रकार से किसी व्यक्ति का मान सम्मान करते हैं, यह भी देख लीजिए। दूसरे भारत की जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे भारत की जो नींव है वो नींव है हमारा धर्म, और जहां पर धर्म की बात की जाती है वहां हमारे कुलदेवत का उल्लेख अवश्य आ जाता है। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुलदेवत के दर्शन ना करना चाहे, लेकिन रोज के भागदौड़ के जीवन की वजह से अपने कुलदेवत के दर्शन कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब है प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने कुलदेवत के आसानी से रोज दर्शन कर सकते हैं, श्री मंदिर। एक ऐसा एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने आराध्य देवत के मंदिर की स्थापना स्वयं कर सकते हैं, नित्यशाम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, भारत के अनेक सुप्रसिद्ध मंदिरों के लाइव दर्शन आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं, अपने नाम की पूजा करवाकर अपने नाम से भी प्रसाद चढ़वा सकते हैं, वो भी केवल घर बैठे हुए श्री मंदिर एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन को अभी तक भारत के 1 करोड़ सनातनियों अपने फोन में डाउनलोड किया है और अपने अपने आराध्य देवत की मंदिर की स्थापना भी की है। श्री मंदिर एप्लीकेशन के बारे में एक चीज में बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि सनातनियों को लगने वाली हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स आप लोग को यहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शुभ तिथि देखना हो या फिर पंचांग देखना हो, शुभ विचार सुनना हो या किसी मंदिर के सेवा के साथ जुड़ना हो, श्री मंदिर के एप्लीकेशन के माध्यम से आप बड़े ही आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन मैंने अपने फोन में डाउनलोड किया, मेरे पिता और मेरी मां ने भी और मेरी बहन ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। तो सही मायनों में इस एप्लीकेशन आपके लिए ही बना है, आपके घर के लिए बना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक श्री मंदिर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और साथ ही साथ श्री मंदिर को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों को जितना भी लिंक है मेरे कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। Okay, so I go down the street and then turn right there. Thank you. Netherlands. Netherlands. We're Indians. I know. I can see. Namaste. Jai Shri Ram. It makes me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. See? Those are the nice faces. That's India, bro. Absolutely. मुझे तो पहले ही से शक था, ये जो ब्लॉगर है ना आरएसएस का दलाल है, ये बजरंग दल का आदमी है। मैं बता रहा हूँ बजरंग दल आरएसएस की ये साजिश है बेंगलुरु के मुसलमानों को बदनाम करने का, इन्होंने जानबूझकर ऐसा वीडियो बनाया है। कुछ लोग ये भी कहने से बाज नहीं आएंगे, ये दो भारत दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भारत की छवि हम लोग अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। एक भारत आपके सामने आपने अपनी आंखों से देखा, एक दूसरा भारत जो आकर व्यक्ति स्वयं कहता है जय श्री राम, मुझे आपके चेहरे की खुशी देखकर प्रसन्नता हो रही है, आप लोगों से मिलकर मुझे आनंद हुआ। यह व्यक्ति सेम है, 30 सेकंड के हादसे में यह वीडियो शूट किया गया, केवल 30 सेकंड में उसके सामने दो भारत दिख गए, और यही दो भारत हम लोग कितने महीनों से कितने सालों से कितने लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। एक भारत जहां पर बाहर आया हुआ व्यक्ति खुशी आनंद के साथ जय श्री राम कह देता है, लेकिन भारत देश में रहने वाले व्यक्तियों को जय श्री राम कहने से या राम का नाम सुनने से भी कहीं ना कहीं पीड़ा होने लग जाती है। यही हमारे देश का कड़वा सत्य है, और कटु मैं इसलिए इतना कहता हूं क्योंकि लोगों को कटु सुनने की आदत नहीं, और कटु इसलिए हमको गंदा लगता है क्योंकि वो हमारे बारे में लिखा जाता है या हमारे बारे में बोला जाता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार के लोगों के व्यक्ति का भावना का ठेस पहुंचाना बिल्कुल था, तो जिनके भावनाओं का ठेस पहुंचा है कृपया आप अपनी भावनाओं को उन व्यक्ति के साथ जोड़ सकते हैं जो व्यक्ति भारत देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब करने का प्रयास करती है, क्योंकि यह घर केवल आपका नहीं, यह घर पहले हमारा है उसके बाद आपका आता है। तो आपकी छवि किस प्रकार से काम करती है उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश की छवि अगर कोई इस प्रकार से खराब करता है तो मेरे सभी अनुरोध करना चाहूंगा मेरे साथियों से, बहुत सी जगहों पर अभी टूरिस्ट आते हैं तो उनका ख्याल रखना यह आपका कर्तव्य है। अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं या केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, वहां पर
भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनके साथ अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो आगे बढ़िए और साहस के साथ उस व्यक्ति का विरोध करिए, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि इस देश के अंदर उन्हें अतिथि देव भव का सम्मान दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने दो भारत को मैंने प्रस्तुत किया है, पहला भारत जो आप लोगों ने देख लिया और दूसरा भारत जो जय श्री राम कहता है। तो आप लोग का निर्णय है कि आपको कौन से भारत में रहना है और आप किस भारत से बिलोंग करते हैं। हम तो जय श्री राम वाले भारतीय संस्कृति के भारत से बिलोंग करते हैं और हमें गर्व है अपने सनातन पर, अपने परंपरा पर, अपने संस्कृति पर, और जिन्हें ये ज्यादा चीजें लगती है कि इसे इतना बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जरूरत तो है, क्योंकि आपके कारण कहीं ना कहीं मेरा देश बदनाम होता है और मैं ये कतई नहीं होने दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं। अब तक इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करिए, ताकि इस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई हो, और हो गया हो तो इस व्यक्ति को देखने के पश्चात और कोई ऐसी बदसुलूकी ना करे, इसका भी उसे ध्यान आ जाए। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।